Hey guys, Beto Army here. Guys, मेरा यानी द किंग ऑफ ग्रांड मास्टर इन सोलो का ग्रांड मास्टर पे करंट रैंकिंग 624 हो चुका है। guys, कल मेरा स्कोर 12,000 था एंड अभी देख लो कि मेरा स्कोर 14,200 हो चुका है। मतलब लास्ट 24 आवर में मैंने सोलो में 2000 से भी ज्यादा स्कोर प्लस किया है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ना तो मैं कोई डबल प्लस ग्लिच यूज कर रहा हूँ, ना ही कोई नोब लॉबी वाली, बट गाइज मैंने उसको यूट्यूब पे इसीलिए आप लोगों को बता दिया ताकि अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो। तुम्हारा भाई हमेशा से फेयर पुश करता था, फेयर पुश करता है एंड कंटिन्यू फेयर पुश करता रहेगा। इसी कारण से गाइज मैं रीजन तो नहीं कर पा रहा, बट कोई ना गाइज, पॉइंट ये आता है कि मैंने तो ग्रांड मास्टर कर लिया, बट आप कैसे करोगे? एंड गाइज अगर आप लोग सोलो में रैंक पुश करके ग्रांड मास्टर करना चाहते हो तो फिर ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज सीजन 27 में तो सोलो में रैंक पुश करना बिल्कुल ही आसान हो चुका है। एंड गाइज इस 8 मिनट की वीडियो से आप 8 दिन के अंदर इजिली ग्रांड मास्टर कर लोगे, सो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। चलो गाइज गेम स्टार्ट करने से पहले कैरेक्टर में बता दूं मैं आपको, तो कैरेक्टर में आपको लेना लिक्वेटा कैरेक्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। एंड उसके बाद पेट में आपको वॉल पेट लेने के बाद गेम को स्टार्ट कर देना है। एंड गाइस देख लो कि ग्रांड मास्टर पे हो आप तो गेम स्टार्ट होने में थोड़ा सा तो टाइम लग सकता है, बट गाइस जैसे ही गेम स्टार्ट होता है हम लोग लॉबी में आ जाते हैं। एंड गाइस आप लोग ये लॉबी देख लो, ये 14,000 की लॉबी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है कि इस लिक्वेटा कैरेक्टर से आपको फायदा कैसे मिलेगा, तो गाइस इसकी एबिलिटी ये है कि अगर आप एक किल करते हो तो आपकी एचपी 25 इंक्रीज करेगी, और अगर आप दो किल करते हो तो आपकी टोटल एचपी 250 हो जाएगी। इसीलिए गाइज आपको गेम के स्टार्टिंग में ही एक या दो किल करके अपने एचपी को इंक्रीज कर लेना है, जिससे कि आपका गेम के अंदर मरने का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। बट पॉइंट ये आता है कि आखिर आप किल करोगे कैसे? तो गाइज रुको, जरा सबर करो, बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना, एंड चैनल पे नए आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी डेली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड गाइज फाइनली हम लोग अब प्लेन में आ जाते हैं एंड दिन आती है अब मेन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट की, आपको लैंडिंग कहाँ पे करना है। एंड गाइज तुम्हारा भाई हमेशा बोलता है कि प्लेन के एंड में लैंड करना, बट आज बोलने वाला है कि प्लेन के स्टार्टिंग में लैंड करना, एंड उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है आपका पहला और दूसरा किल। वैसे ही इजेक्ट का ऑप्शन आता है ना, तो सबसे पहले पूरे प्लेन में आपको लैंड करना है गाइज, या तो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड, क्योंकि अगर आपके पास डिवाइस अच्छा है ना तो इजेक्ट का ऑप्शन सबसे पहले आप ही के पास आएगा। एंड उसके बाद गाइज लैंड करोगे तो या तो कोई बंदा आपके साथ में लैंड करे, बट आपके पहले कोई भी लैंड नहीं कर सकता, क्योंकि गाइज अगर उसके पास भी फैल्को नहीं है, मेरे पास भी फैल्को नहीं है, ये आप लोग देख लो, एंड मेरे स्कैनर में आपको ये बंदा दिख रहा होगा। एंड गाइज देखो यहाँ पे ये बंदा गलती क्या करता है ना कि ये मेरे साइड घूमने की कोशिश करता है, एंड इसी में ना ये 2 सेकंड पीछे रह जाता है मेरे से। एंड गाइज यहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी काम करता है, क्योंकि सोच लो कि मैं तो यहाँ पे ग्रांड मास्टर पे हूँ, एंड अगर मैं मर गया तो मेरा 90-95 का माइनस भी लग सकता है। बट गाइज तुम्हारा भाई यहाँ पे 2 सेकंड उससे पहले लैंड करता है, तो इस घर में उससे पहले मैं चले जाता हूँ, यहाँ पे मेरे को मिलता है स्कार, उसके बाद तो ये भाग कर कहाँ जाएगा भाई, उसके बाद तो मैं घर में घुसने से पहले इसको फिनिश कर देता हूँ। गाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अभी आप ध्यान किल पे मत दो, ध्यान मेरे टोटल एचपी पे देखो। गाइज मेरा टोटल एचपी 225 हो चुका है। इसी कारण से गाइज मैं आपको बोलता हूँ प्लेन के स्टार्टिंग में लैंड करने के लिए, क्योंकि देखो प्लेन के स्टार्टिंग में 3-4 बंदे या तो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में तो लैंड करेंगे ही कम से कम। अच्छा अगर आपकी लैंडिंग परफेक्ट है एंड आपको अपने लैंडिंग के ऊपर थोड़ा सा भी डाउट नहीं है गाइज, तो फिर वहां से आप 2 किल करके चुपचाप निकल लोगे, जिससे कि गाइज आपका टोटल एचपी भी 250 हो जाएगा। एंड उसके बाद आप आराम से पोजीशन सिक्योर करने के बाद लास्ट में 1-2 किल करके भुया करोगे, एंड 3-4-5 किल के साथ आप गेम को भुया करने के बाद फुल प्लस भी ले लोगे। गाइज जब भी आप इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ आते हो लिक्विटा कैरेक्टर एंड स्टार्टिंग में किल करना चाहते हो, तो फिर कोशिश करना बॉन्टी टोकन लेने का। बट गाइज वैसे सेंटोसा में ना आपको की इजीली मिल जाएगा, तो यहां से चाबी लेने के बाद आपको यहां पे जो बगल में टावर है उस टावर को ओपन कर लेना है। हां गाइज ये बरमुडा का एक ग्लिच है, जिससे कि ना सेंटोसा में बहुत ज्यादा चाबी मिलता है यहां पे आपको, तो कोशिश करना कि सेंटोसा अगर पॉसिबल हो हर मैच में तो आप सेंटोसा ही लैंड करो, जहां से चाबी लेने के बाद आपको लूट करने का कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। एंड हां इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करना कि चाबी आपको मिलता है या फिर इनेमी को। गाइज अगर इनेमी को भी मिलेगा तो इसके अंदर इतना लूट रहता है ना लेवल 3 का वेस्ट और हेलमेट की, कम से कम 2 बंदा तो इजीली लूट कर ही सकता। हां मैं मानता हूं कि जो बंदा इस टावर को पहले ओपन करेगा वो टोकन तो सारा ले जाएगा, बट 2 लेवल 3 का वेस्ट थोड़ी ना पहन के जा सकता है, तो इसीलिए इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। एंड गाइज फाइनली देख लो आप लोग की फर्स्ट जोन सिंह करके कितना दूर जा चुका है, बट मेरे पास यहाँ पे कोई जोन सर्वाइव कैरेक्टर भी नहीं है, बट अगर अकेला के कैरेक्टर है ना तो वही काफी। गाइज अगर कोई जोन सर्वाइव कैरेक्टर नहीं है बट अगर आपके पास के कैरेक्टर है ना, तो 2 जोन तक आप इजिली जोन के बाहर लूट कर सकते हो। एंड गाइज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि आपको लूट के टाइम पे कौन सी चीजों पे फोकस करना है। अगर आपके पास गन कलेक्शन अच्छा है, सारे गन्स की अच्छी स्किन है, तो फिर कोशिश करना कि लॉन्ग रेंज में AK चलाए और शॉर्ट रेंज में MP40। गाइज अगर आपके पास गन कलेक्शन अच्छा नहीं है तो फिर लॉन्ग रेंज के लिए मार्क्समैन गन लेना है लाइक वुड पिकर, SKS या फिर ड्रैगन होप, और शॉर्ट रेंज में आपको शॉर्ट गन चलाना है लाइक वो M1A7। गाइज इन सारे गन्स का जो होता है ना डैमेज बहुत ज्यादा ओपी वाला होता है। हाँ अगर चाहो तो AC-AT भी चला सकते।
एंड फाइनली गाइस जैसे ही आपका लूट कंप्लीट हो जाता है देन उसके बाद देख लो कि फर्स्ट जोन श्रिंक करने के बाद अब सेकंड जोन रुकने वाला है। तो अब आपको करना कुछ नहीं, नॉर्मली पैदल जोन के अंदर जाना है गाइस इतने दूरी होने के बाद भी। ठीक है, अगर सेकंड जोन रुकता भी है उसके बाद भी आपकी सिर्फ एक एक एचपी काटेगा एंड के कलेक्टर है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और सेकंड जोन श्रिंक भी करेगा तो जब तक थर्ड जोन स्टार्ट होगा तब तक तो आप दौड़ते दौड़ते जोन के अंदर पहुंच ही जाओगे। जैसे कि देख लो गाइस कि यहां पे फर्स्ट जोन श्रिंक करने के बाद सेकंड जोन रुक चुका है एंड अभी सेकंड जोन श्रिंक करने में 48 सेकंड है। तो आराम से गाइस आप दौड़ के जोन के अंदर पहुंच सकते हो क्योंकि लूट तो कंप्लीट आपके चाबी से ही हो चुका है। गाइस गेम की स्टार्टिंग में ही आपका 2 किल हो चुका है तो यहाँ पे अब आपको करना कुछ नहीं, नॉर्मली टॉप 8 या टॉप 6 तक किसी भी तरह पोजीशन निकालना है क्योंकि गाइस पोजीशन निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सोलो में। हाँ, किसी किसी गेम में गाइस आपके साथ ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि जोन के बाहर अगर आप सर्वाइव करते हो तो वहां पे भी आपको बंदा मिल जाएगा। हर 10 या 12 में से कोई एक आध गेम ऐसा मिल जाएगा, नहीं तो कम चांसेस है कि मिलेगा। इसीलिए गाइस वहां पे आपको डरना नहीं है, मैं आपको जानबूझकर बता रहा हूं क्योंकि गाइस ऐसा सिचुएशन मेरे साथ भी होता है। तो अगर वैसे सिचुएशन में आप डरोगे ना कि यार अगर मर गया तो इतना माइनस लग जाएगा, फिर जैसे ही आप ऐसा सोचोगे ना तो फिर आपसे कितना भी नू बंदा हो वो आपको मार के चला जाएगा एंड अगर नहीं मार के गया ना तो फिर इतना जरूर डैमेज दे देगा जिससे आप जोन के बाहर ही एलिमिनेट हो जाओ। फाइनली देख लो गाइस यहां पे सेकंड जोन भी अब श्रिंक करने लगा है एंड अभी भी मेरी एचपी और एपी में कोई दिक्कत नहीं हुआ गाइस। लिटरली मैंने ना तो एक भी मेडिकिट्स यूज किया ना ही कोई इनहेलर, उसके बाद भी मैं जोन के अंदर इजिली पहुंच। एक और चीज जो यहां पे गौर करने लायक बात है कि ये तो वीआर रैंक ने ग्रैंड मास्टर का लोगो आपको छोटे वाले मैप मैंने जितना बार ओपन किया वहां पर दिखा होगा तो ये तो कंफर्म हो कि रैंक मैच ही है। सेकंड और इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस आप लोग देखो कि अलाइव 10 हो चुका है, मतलब सिर्फ 10 बंदे बचे हैं। तो ये ना क्या होगा कि हर 10 गेम में से गाइस 4-5 गेम तो ऐसा निकल जाएगा जहां बंदे जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए गाइस बहुत ज्यादा ही आसान हो जाता है सोलो में रैंक पुश करना एंड इसीलिए मैं आपको बार बार गाइस बोलता हूँ कि अगर स्क्वाड वगैरह में खेलते हो माइनस लग रहा है, आपके पास प्रॉपर स्क्वाड नहीं है तो मेरी स्ट्रेटेजी को यूज करो गाइस। लिटरली 7 से 8 दिन के अंदर इजिली ग्रैंड मास्टर पकड़ लोगे। आप अभी डायमंड या फिर हीरोइक पे हो तो और अगर मास्टर कर लिए हो ना तो फिर बहुत आसान काम है यार, मतलब इंतजार क्यों कर रहे हो पंडित का मुहूर्त निकलवाने के लिए, सीधा रैंक पुश करना स्टार्ट कर दो ना। सो गाइस फाइनली आप लोग अब यहाँ पे देख लो कि पोजीशन टॉप 7 हो चुका है एंड मेरा काम था पोजीशन निकलवाना। इसके बाद तो अब आप एक या 2 किल करके गेम को बुया कर ही लोगे, इतना भी तो नूब नहीं होना कि किल नहीं होगा। एंड अगर अभी भी चाहो तो आप यहाँ पे इजिली सर्वाइव करके पोजीशन को टॉप 4 या टॉप 3 कर सकते हो एंड उसके बाद बुया कर सकते हो। सो आई होप कि गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।